गौर चलिए गया। हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। दोस्तों मेरे साथ है मेरी बेटी शमारा ठाकुर और उधर आप देख रहे हैं प्रियंका ठाकुर। और दिन के करीबन 2 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं प्रियंका और गौरू जा रहे हैं अपनी मौसी के घर। सबसे बड़ी बड़ी मौसी है दोस्तों, वहाँ हम जा रहे हैं और गौरू जा रही है वहाँ फर्स्ट टाइम। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो आज बिल्कुल चारों तरफ अच्छी धूप खिली है दोस्तों, मतलब गर्मी होगी है। कल पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा दोस्तों, तो बहुत तेज बारिश हुई और बारिश होने के बाद अब मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर मौसम बिल्कुल साफ, और गर्मी बहुत तेज हो रही है। और तभी गौरू को हमने कैप लगाई है, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे इलाके में। और गौरू फर्स्ट टाइम जा रही है दोस्तों। की चल रही, कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मौसी के घर, और ये है मेरे भाई की दुकान जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये ताऊ वाले यही है। क्या क्या खाना गौरव ताऊ वाले दुकान? बोलो क्या खाना भाई? ओ देखो देखो खाओ, देखो पापे का गौरव पापे का, देखो पापे का टीवी देखे बोल रहे ताऊ वाले दुकान सब कुछ खा लेना। बोलिया गोलू पानी नहीं पींदी गर्मी तो लगी रही। ताऊ कहाँ है गोलू का? ऐसे बस रे, जाओ लेकर आ ले। गौर चलिए गया। और यहाँ से जाते हैं रास्ता ऊपर, ये जो पीपल है दोस्तों ये है मौसी के घर। चक्की तो हरे टोपी मासी गौरु कर दादी दादी अम्मा से बात कर। अरे गला अम्मा की दी अम्मा अपूआ पकड़ा अरे दांत दिखाना तू हर उन दिखे ना कि बालियां पर जोड़न दी गौरु कितनी आई रही कितनी सत्ता महीने किधी पहुंची गई भूख लगी उन्हें तो देखा ही है। और मासी ठीक है तुम्हें? सॉरी लग ट्रक भी करे मास्टर डे। और गोलू कहाँ है दादा? कहाँ है दादा? खुश हुई कितनी है दादा? गोलू वहां देख, ओखा देख, ओखा देख पुतल, वो देख टोपी है, वो देख दादा। दोस्तों ये हैं मेरे बड़े मौसा जी जो आजकल बीमार चल रहे हैं, और इन्हीं का ही हाल चाल पूछने के लिए हम
यहाँ आए हुए हैं। गोलू देख रही है। तो मौसी के घर की छत से दोस्तों ये सामने का सुंदर नज़ारा, यहाँ कई छोटे गांव बसे हैं सामने वाली पहाड़ी पे, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। लाली टोपी हो, लाली टोपी लारी बकरे चारने देख दादी, वो देख छोटे छिले और ठीक है मासी खरे दिखे नहीं है दो तीन दिन कि औखा मैं अस घर इंगे करते बाय दिखे दादी अम्मा कजल होने क्यों बी खरी आखी सारे बच्चे पाए कजल ना हूं नी बनते मासी ना है मासी हूं नी बनते ना चलो ठीक है तो रखे ध्यान अपना ईद पत्थर कल बरखा बथेरी हुई मासी है ना बरखे नंद लाई थी तुड़का कि बड़ा बरखा हो जड़ी मासी बड़ी बड़ी बरखा हो रही तू कि चलो बाई करके गजल बाई करके गजल ना हां स्याने लगा होने ना बी तजे हां चश्मे कजल भाओ तो सही है कजल भी अखी जोत ठीक रखा हां चलो रख के ध्यान इस गल चल कोई नहीं दोस्तों देख मासी रे बकरी और मासी बकरी चार रहे दिखने बटरी मासी पत्थर पर ठीक है मासी ता ले ले ना ये देख मासी रे बकरी दोस्तों ये देख आ हा केड़ी वांग की बकरी केड़ी वांग की बकरी है ए एक काले हो है एक चिटली ए मासी छली है दोनों अच्छा। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने ही वाले हैं, और रास्ते में हम मिल रही मासी और मासी चरा रही बकरियां और मासी री गप्पा भी कजलवा कर तो हम नहीं हो एड़े गप्पा दोस्तों बुजुर्ग रही हैं और उन्हें है घरे पहुंचने लगे मैं और गोरू है ना गोरू आज अपनी दादी के घर गई। दोस्तों शाम के तकरीबन 6 बजने को आए हैं, हमारे यहाँ हो रही है मूसलाधार बारिश जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। गोरू की ये पहली बरसात है क्योंकि इसका जन्म सर्दियों में हुआ था, इसने गर्मियाँ देखी अब भी देखेगी बरसात, और इसको मैं बारिश बता रहा था कैसे यहाँ बारिश हो रही है, बारिश में कैसा मौसम आप सब देख रहे दोस्तों, मूसलाधार बारिश लगातार लगी हुई है और गोरू पूरा इंजॉय करती है बारिश को ना गोरू। पकौड़े पकौड़े कुछ खाने हैं आपने? नहीं खाने मना करती है पकौड़े खाने को, तो जलेबी जलेबी कुछ पकौड़े खाने हैं आपने? मना कर दिया पकौड़े इसको पसंद नहीं है गुरु दोस्तों। तो अब लेते हैं दोस्तों आपसे अलविदा, आई होप आपको हमारी एक ब्लॉग पसंद आते होंगे, अगर पसंद आए तो कृपया इनको शेयर जरूर करें और अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्थी। जय हिंद जय हिमाचल।